करके गंदा एक्सीडेंट हो गया है। तो अभी यार मैं देहरादून के लिए निकला था यहाँ, तो भाई ये मैक्सी पलट चुकी है। अरे ये क्या हुआ, ओ भयंकर, इसका तो पहिया ही निकल गया। और साथ से बाहर है भाई, इसका सिक्स गियर ना बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि भाई पावर इतनी है, क्या बोले यार, कोई सुपर बाइक वाला बंदा कर लेगा भाई से। तो हेलो व्यूअर्स, यार कैसे हो? फाइनली तो यार काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड देन फिर आज छोटी सी राइड करने चलते हैं। गाइज यार मैंने बाइक की सर्विस करा ली थी अपनी ड्यूक 390 की, तो यार वो मुझे 6200 के आसपास पड़ी है। तो यार मतलब खर्चा तो अच्छे से हुआ है इस बार, और अब उसका पिकअप कम हो रहा था, मतलब पावर ड्रॉप कर रही थी गाइज वो। तो अब देखते हैं कि पावर कैसी है, कैसी फील आ रही है चलाने में, पावर टेस्ट करते हैं देन फिर दिखाएंगे कि कैसी हुई है सर्विस के बाद क्या। तो चलते हैं अब सीधा मोटो ब्लॉक सेटअप पर, और कुछ मॉडिफिकेशन भी दिखाते हैं देन फिर पावर टेस्ट करते हैं गाइज। यार उसकी 6 गियर हैं, 6 के 6 टेस्ट करेंगे, भाग के देखेंगे आज उसकी हाँ अच्छे से। पहले सबसे पहले यार गियर अप बोलते हैं, बिना गियर अप के मैं कभी नहीं बोलूँगा, टेस्टिंग करो भाई जी, तुम भी भगा मत भगाना भाई। पहले मैं गियर अप होऊंगा देन फिर चलेंगे गाइज, पहले गियर अप फुल गियर अप होंगे देन तभी चलेंगे, वरना बिना गियर के तो गाइज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करके गंदा एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी यार मैं देहरादून के लिए निकला था यहाँ, तो भाई ये मैक्सी पलट चुकी है। चलो बच गया हो भाई, जो भी हो बहुत गंदा हुआ है भाई, उसमें ठुक चुके हैं भाई, वहाँ साइड में पूरी मैक्स पलट चुकी है। चलो वैसे सेफ है, मतलब बच गए होंगे, ज़्यादा चोट वगैरह ना आई हो भाई। जो तुमने अभी 2 दिन पहले वाला व्लॉग देखा होगा, तो यार वो तुमने नंदप्रयाग जाते देखा होगा, और यार अब तुम जो देख रहे हो यार, ये मैं फिर से राय वाला आ चुका हूँ, सिर्फ वहाँ मैं 1 दिन रुका हूँ और नेक्स्ट डे फिर यहाँ आ चुका हूँ गाइस। सर्विस कराई थी, सर्विस का तो एक्सपीरियंस तो ठीक था वैसे, बट 6000 की हुई थी, तो 6000 की सर्विस बहुत ज़्यादा थी वैसे। कोई नहीं, 6200 के आसपास सर्विस हुई थी। वाला पता नहीं कैसे वाला है, तो वाला मैं भूल जाता हूँ। अब लोकेशन का मुझे पता है, बट नाम नहीं पता है, नाम याद ही नहीं आ रहा है गाइस मुझे। तो अब चलते हैं पहले, और आज इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। सर्विस के बाद तो मैंने बिल्कुल भाई इसकी पावर टेस्ट नहीं की है, क्योंकि यार इसकी टॉप स्पीड भाई 124 हो चुकी थी, क्योंकि इसकी कलर्स प्लेट जा चुकी थी गाइस बिल्कुल। 6th गियर में भी, 5th गियर में भी, कोई सा भी गियर ले लो, 124 से ऊपर नहीं जा रही थी। मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में 124 से ऊपर नहीं जा रही थी, फोर्थ में तो 124 ही जाती है वैसे। और इंडिकेटर देखे, ये देहरादून रोड के लिए, देहरादून यहाँ से 33 किलोमीटर है, बट हमें देहरादून नहीं जाना, हमें देहरादून से थोड़ा पीछे जाना है, भानियावाला से आगे, भानियावाला कह रहा हूँ, डोईवाला से आगे जाना है। मैं नाम ही भूल चुका हूँ, याद ही नहीं आ रहा, चलो छोड़ो उस बात को सबको। तो यार आज थोड़ा सा इसका पिकअप टेस्ट कर लेंगे, देखते हैं टॉप स्पीड कितनी है, किस गियर में कितनी जा रही है टॉप, तो पता चल जाएगा इसका, क्योंकि पावर ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है भाई सर्विस के बाद। तो ये थर्ड गियर है गाइस, अभी थर्ड गियर में यार ये 100 नॉर्मली जाती है, और फोर्थ में ये वाला टर्न लेके इसके बाद पे लगे। तो यार फोर्थ वाले में देखते हैं कितनी जा रही है, ये वही 125 जा रही है, और फिफ्थ में देख लेते हैं गाइस अब। गाड़ी 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 तेरी। तो यार इसमें जाएगी ये 140 के आसपास जाएगी गाइस। ओ भाई यहाँ यार मुझे ब्रेक लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ तो उछल जाता गंदे समय, जो कि जब पुल पे फ्लाई ओवर पे उतर आया तो भाई सीधा चल जाता मैं, और स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी मेरी, 140 थी, तो थोड़ी सी सीधी रोड आने देते हैं, रोड आने देते हैं, क्योंकि फ्लाई ओवर में भान ही बेकार है, क्योंकि यार इसमें ना ये एंगले जैसी लगी है बीच बीच में, तो उछल जाता खाली मैं भी। पहले थोड़ी सी फोर्थ में भगा लेते हैं देन फिफ्थ में भगाएंगे गाइज। और गाइज यार फुल सेफ्टी के साथ भाई, मैं फुल सेफ्टी के साथ आया हूँ, पैक होके बिल्कुल सूज वगैरह, फिफ्थ यार फिफ्थ। ओ भाई थोड़ा सा ट्रैफिक भी है यार इधर, तो ट्रैफिक में ना गाइस वैसे मैं ज्यादा भगाता नहीं हूँ, वरना तुम भगाओ, तो बस मैं टेस्ट करने के लिए आ चुका हूँ इसकी टॉप स्पीड, और
देख रहे हैं सर्विस के बाद कैसा एक्सपीरियंस है यार इसे भगाने का, तो वो ही सब कुछ है, बाकी कुछ यार तुम मत भगाना, मैं कभी नहीं बोलूँगा तुम भगाओ। यार ये ऐसे बंदे ना बीच में आता है तो थोड़ा सा डर ना मुझे भी लगता है गाइस, तो यार मैं भी सेफ्टी के साथ ही चलता हूँ, पूरा गियर अप, राइडिंग जैकेट, शूज, राइडिंग ग्लव, सब कुछ भाई पैक होके तभी निकलो रोड पर। और भाई मेरे थोड़े से टायर भी टकले हैं, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, वो कुछ दिन में आ जाएंगे, मे भी 3 या 4 दिन। तो दोनों टायर का मैंने सेट मंगा लिया, तो अब दोनों टायर एक साथ ही चेंज करेंगे गाइस, क्योंकि दोनों का नंबर आ चुका है MRF में। ये ठीक है कि अरे ये क्या हुआ, ओ भयंकर, इसका तो पहिया ही निकल गया मुझसे, क्योंकि पावर बहुत है यार, 140-45 पता नहीं 50 जाता है शायद, 50 अप्रॉक्स जाता है यार, तो 50 मुझे भगानी है 150 के आसपास, बस 150। और ये जो मोटो व्लॉग हो रहा है तो गाइस ये हीरो 8 से हो रहा है, तो क्वालिटी में फ़र्क थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा ट्रैफिक भी है यार, तो ज़्यादा भगा भी नहीं रहा हूँ मैं, और क्या करें, जो होता अच्छे के लिए होता है, तो यही सोच के चलो बस। बस फिफ्थ गियर चेक करना है यार मुझे, फिफ्थ गियर में 150 जाती है, मैंने एक बार भगाई भी थी तो टॉप 150 जा रही थी ये 150, मतलब तो 150 पहुंचानी है मुझे एक बार तुम्हारे सामने भी, तुम्हें भी दिखाना है गाइस। और फिर सिक्स्थ गियर तो भाई बहुत हैवी है इसका, बहुत यार, मतलब ये सोच लो कि हेलमेट उड़ने लग जाएगा, बहुत खतरनाक है। अगर रोड खाली मिली तो तभी सिक्स्थ गियर करूँगा मैं, वैसा करेंगे थोड़ा बहुत करेंगे, देखते हैं कितनी जाती है, बट ये वाली रोड नहीं है, इतनी ठीक रोड नहीं है। और यार तुम्हें ना कुछ नई नई एक्सेसरीज भी मिलेंगी जो मैंने ऑर्डर की है, मतलब मस्त मस्त से अपनी बाइक के लिए, मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, जो इसमें नॉर्मल एक्सेसरीज वगैरह है, क्योंकि अब लॉन्ग राइड होंगी तो यार उनमें ज़रूरत पड़ेगी बाइक की सेफ्टी के साथ साथ, और जो मुझे नीड है मतलब अभी बाइक के लिए, तो यार वही ऑर्डर किए, वही आएंगे, अब उनकी भी एक उनके भी व्लॉग आएंगे, वो भी तुम्हें देखने को मिलेंगी गाइस, जैसे मस्त मस्त चीज़ें जो जो मेरे यूज़ में आएंगी, मतलब फालतू की चीज़ें नहीं, तो वो तुम्हें गाइस देखने के लिए मिलेंगी, वो कुछ टाइम में 2-4 दिन, ज़्यादा नहीं, बस ऑर्डर मैंने कर दिए आजकल में ही, तो वो 4 या 3 दिन में तुम्हें देखने को मिल जाएंगी गाइस। तो यार फिफ्थ गियर थोड़ा सा जगह खाली हो, देन हम फिफ्थ गियर भी खींचते हैं, देहरादून 22 किलोमीटर, ज़्यादा राइड नहीं होगी, छोटी सी होगी, मतलब 12, तो यार इतनी होगी 15 किलोमीटर आना 15 किलोमीटर जाना, तो मैं भी 30 किलोमीटर की हो सकती है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ हाईवे है गाइस खाली, मिलेगा तो दिखाएंगे, बाकी तो हम अपना टेस्टिंग करने आ चुके हैं अपनी दुकासुर की आफ्टर सर्विस। जहाँ 150 पहुँचने वाली थी तभी एक गड्ढा उतर गया नीचे वो रोड क्रॉस करने आ चुका भाई करके क्या करे यार, कोई ना कोई आ ही जा रहा है, बट भाग बहुत रही है यार, पिकअप तो इसका भाई बहुत ज़्यादा है, जो सुपर बाइक चलाता हो बंदा वो इसे कंट्रोल कर पाएगा, वो उसी के लिए ठीक है भाई सिक्स गियर, तो इसका फिफ्थ में बहुत भाग रही है भाई फिफ्थ में, और ये सारे गन्ने के ट्रक खड़े हैं, जब मैं परसों आया था उस दिन भी ऐसे खड़े थे और आज भी ऐसे खड़े हैं, पता नहीं कहाँ जा, बट गन्ने की जो खुशबू है ना यार एक नंबर है, हमारे तो खेत है, हमें तो सूंघ सूंघने को मिलती रहती है तेरी गन्ना देखते ही खांसी भाई तब तक खांसी नहीं हो रही थी, और गन्ना देखने के बाद खांसी हो गई। तो मिलते हैं थोड़ा सा आगे, ब्रेक लेते हैं जरा 2 मिनट का। पता नहीं क्या फंस गया यार गले में अजीब सा, और खास से बाहर है भाई इसका सिक्स गियर ना, बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा है।
अभी तो फिफ्थ टॉप ही नहीं कर पाया हूँ मैं, 148-46 पे ही पहुँचती थी, 148-46 पहुँची है, एंड देन फिर वो उतर गया, थोड़ी सी पहुँच तो जाती, 150 टच हो जाती, फिर से कंप्लीट हो जाता फिफ्थ, तो सिक्स बचा है। सिक्स तो भाई मुझे तो नहीं लग रहा आज हो पाएगा, क्योंकि भाई पावर इतनी है, क्या बोले यार, कोई सुपर बाइक वाला बंदा कर लेगा भाई से कंट्रोल, बट मैं उतनी ज़्यादा भगा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे टायर भी टकले हो चुके हैं, मतलब बचे हैं, कम बचे हैं, बस पानी वगैरह के लिए नहीं बचे हैं वो, बस हाँ रोड पर चलने के लिए अच्छे हैं, अभी चल जाएंगे रोड पर चलने के लिए, आराम से चलेंगे। तो यार ये फिफ्थ वाला भी चलो 140, और भाई ये थोड़ा सा टर्न भी आ चुका है, तो कोई इन पेड़ों में से निकल के बंदे आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो इसलिए ज़्यादा ना रिस्क वाली भी बात है, और भाई पावर तो सच में ज़्यादा है यार, क्यों भाई खोपड़ी के ऊपर ये एक फ्लाइट जा रही है, लो 4 दिन से इसका डेली फ्यूल अप हो रहा है इस 390 का, और वो भी 200-300 का नहीं, 500 से ऊपर ही जा रहा है भाई। यार यूटर्न लेके निकलते हैं, फिर से अपना काम धाम हो चुका है, क्योंकि यार अब ट्रैफिक बढ़ चुका है, तो भाई मुश्किल ही है यार, अब जितना भी होगा गाइस ये मान लो कि मैं 150 ही भगा पाया हूँ, अगर भाग जाती है तो अच्छी बात है, क्या कर रहा है यार, या तो निकालो भयंकर या तो निकलने दो, 3-3 एक-एक साथ लगे पड़े हैं। एक ये पता नहीं कहाँ से चूतिया यहाँ बाढ़ देते हैं निकलने के लिए फ्री में, इन्हें टोल टैक्स देने में इनकी फट रही है बैंक। ये साल है ना, इन्होंने क्या बोले यार, इन कुत्तों ने ना इसलिए नहीं भगा रहा भाई, वो ब्रेक ठीक हुआ, ठीक टाइम पर लग गए मेरे, 390 की ब्रेकिंग तो अच्छी है बट कंट्रोल। तो गाइस यार ट्रैफिक देख रहे हो भाई कितना हो चुका है हद से ज़्यादा, तो भाई इतने में मेरे बस की नहीं है भगानी अब, तो अब फाइनली नेपाली फार्म से क्या नेपाली फार्म भी पहुंच चुके हैं, और इसके 2 किलोमीटर बाद रहने वाला है। तो यार अब तुम्हें यह वाला व्लॉग गाइस यहीं पे एंड करते हैं, और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में,